गुड मॉर्निंग क्लास वन। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबों को हिंदी व्याकरण बुक में पढ़ाने जा रही हूँ वर्ण। वर्ण किससे कहते हैं या वर्ण क्या है, आप लोग सब कोई ध्यान से सुनेंगे। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों? और एक बार सुनिए, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो आप लोग अपना व्याकरण बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 9। प्यारे बच्चों, अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और मन से पढ़ेंगे। पार्ट 3, वर्ण अल्फाबेट। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे गुलाब, कमल आदि। गुलाब की ध्वनि है गा हलन जोड़, ऊ जोड़, ला हलन जोड़, आ जोड़, बा हलन जोड़, आ। कमल की ध्वनि है का हलन जोड़, आ जोड़, मा हलन जोड़, आ जोड़, ला हलन जोड़, आ। तो ये हम लोग क्या पढ़े अभी, ध्वनि ना, गुलाब की ध्वनि और कमल की ध्वनि। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को बताने चाह रही हूँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं गुलाब में क्या है, व्यंजन वर्ण है ना। जहाँ पर व्यंजन वर्ण है बच्चों, क्या क्या व्यंजन वर्ण है, गा ला बा, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगता है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं हलंत लगी है, ठीक है। और स्वर वर्ण में व्यंजन, स्वर वर्ण में हलंत नहीं लगती है, ठीक है। उसी प्रकार कमल का भी देखिए, कमल में व्यंजन वर्ण क्या है, का मा ला ना। तो का के नीचे हलंत है, मा के नीचे हलंत है और ला के नीचे हलंत है। क्यों हलंत है, क्योंकि ये क्या है, व्यंजन वर्ण है ना, और स्वर वर्ण में हलंत नहीं लगी है। आगे पढ़ेंगे बच्चों, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। पहला स्वर, हिंदी में 11 स्वर हैं, आ आ, ई ई, उ उ, री ए, ऐ ओ औ। ये क्या है, स्वर वर्ण है, और ये कितने हैं, ये 11 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, आ से क्या होता है, अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, उ से उल्लू, उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये सब क्या है, कैसे चित्र हैं, ये सब चित्र स्वर वर्ण वाले चित्र हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, व्यंजन। हिंदी में 33 व्यंजन हैं, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, ता ठा डा ढा अना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, तलव्यासा मुर्दंसा दंसा हा। तो ये क्या है, सब व्यंजन वर्ण है, और ये कुल कितने हैं, 33 हैं। तो इसमें दिया गया है देखिए, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाजर, घा से घर, अंगा माने कुछ नहीं, ठीक है। आगे चा से चरखा, छा से छड़ी, जा से जग, झा से झंडा, इया माने कुछ नहीं, ता से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन,
अना माने कुछ नहीं। आगे ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवर, दा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा से बकरी, भा से भगत, मा से मटर, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, तलव्यासा से सलजम, मूर्धन्सा से षष्ठकोण, सा से सैनिक, हा से हाथी। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब व्यंजन वर्ण से बने शब्द वाले चित्र हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे विशेष अंक और अहा, ऐसे वर्ण हैं जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। अक्षर ज्ञ स्र दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे देखिए अक्षा बराबर का हलन जोड़ मूर्धन्सा क्या बन गया? अक्षा, ठीक है। अक्षा में दो व्यंजन जुड़े हैं, ठीक है। आगे त्रा बराबर ता हलन चोड़रा, इसमें भी दो क्या व्यंजन जुड़े हैं, ठीक है। आगे ग्या बराबर जा हलन चोड़ इया, यहाँ पर भी दो व्यंजन जुड़े हैं, मिलकर बने हैं, ठीक है। आगे स्रा बराबर सा हलन चोड़रा, यहाँ पर भी दो व्यंजन मिलकर स्रा बने हैं, ठीक है। अड़ा और अढ़ा को भी व्यंजन माना जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अब तक हमने सीखा, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो आप लोगों को पूछा जाएगा वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मुख से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। आगे वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता, यहाँ पर क्वेश्चन बोला जाएगा किसको छोटा नहीं किया जा सकता। इसका आंसर या उत्तर होगा वर्णों को और छोटा नहीं किया जा सकता। आगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आप लोग को पूछा जाएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो आप लोग का आंसर होगा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आगे स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। आप लोग को प्रश्न में पूछा जाएगा कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, तो आप लोग उत्तर में बोलेंगे स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे अभ्यास, पहला सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। का नंबर, हिंदी में स्वर कितने हैं? 11, क्या होगा? 11, इसमें टिक मारिए। आगे खा नंबर, हिंदी में व्यंजन कितने हैं? 33, इसमें टिक मारिए। गा नंबर, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? यहाँ पर स्वर कौन नहीं है? का, इसमें टिक मारिए। घा नंबर, भालू शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 3, इसमें टिक मारिए। आगे दूसरा नंबर, नीचे ऐ उ री आ औ अपना घर भूल गए हैं, इन्हें सही जगह लिखिए। तो देखिए बच्चों, ऊपर में जो दिया गया है ना, उसी को हम लोग को नीचे लिखना है। आ, उसके बाद ये आ आएगा, आप लोग लिख लेंगे अपने बुक में आ, फिर ई ई, उसके बाद है ऊ, ठीक है ऊ, फिर री
क्या आएगा? री, फिर ए, फिर आई, ओ, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप लोग आओ। ठीक है बच्चों, आगे तीसरा नंबर, स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्वर और व्यंजन सब मिला हुआ है, तो इसमें क्या करना है, अलग करना है। एक और स्वर दिया गया है और एक और व्यंजन, तो आप लोग को चुन कर लिखना है कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। एच डब्ल्यू लिख लीजिए, तारीख क्या है, 12/5/21। ठीक है, तो ये आप लोग घर काम करेंगे, होमवर्क बनाएंगे। ठीक है, आगे चौथा नंबर, स्वर वर्ण में हरा रंग और व्यंजन वर्ण में पीला रंग भरिए। यहाँ पर भी क्या करना है, स्वर वर्ण में क्या रंग भरना है, हरा रंग, और व्यंजन में पीला रंग। इसको भी आप लोग अपने से करेंगे। ठीक है, इसको अपने से करेंगे, ये होमवर्क नहीं है, ये अपने से करेंगे आप लोग। ठीक है, पांचवा नंबर, का से हाथ तक मिलाते हुए चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। इसको भी आप लोग अपने से करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।